अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सैरिट फर्नेट फार्मूला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे पास डिफरेंशियल ज्योमेट्री की लेक्चर सीरीज चल रही है। आज इसका एक थ्योरम है हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका हम यूज करते हैं मोस्टली थ्योरम्स में। हमारे पास इस थ्योरम्स की हमारे पास जस्ट तीन पार्ट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट इसकी क्या है, अलोंग अ कर्व एक्स, हमारे पास जो एक्स जो है वो कर्व है वो किसके अलोंग है, उसमें जो पैरामीटर यूज हो रहा है वो एस यूज हो रहा है, ठीक है। द वेक्टर्स टी एन एंड बी, ये टी कैपिटल भी हो सकता है, एन भी कैपिटल और बी भी कैपिटल हो सकता है और स्मॉल लेटर में भी हो सकते हैं। तो इसको हमने क्या शो करना है, जो डेरिवेटिव है टी का, यानी कि टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, वो किसके इक्वल है, कापा इंटू नॉर्मल वेक्टर। उसके बाद हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एस, वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के ऑफ टी प्लस टाओ ऑफ बी, यानी कि टाओ इंटू बी। बी हमारे पास क्या है, बाय नॉर्मल वेक्टर है, टी हमारे पास क्या है, टेंजेंट वेक्टर है। ये नेक्स्ट वन हमने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ बी यानी कि बाइनॉर्मल वेक्टर का डेरिवेटिव वो किसके इक्वल आता है, माइनस टाओ इनटू नॉर्मल वेक्टर। अब हम इनका बराबर प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट वन प्रूफ क्या है, टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस किसके इक्वल है, कापा इनटू नॉर्मल वेक्टर के। तो यही हम प्रूफ करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एन यानी कि नॉर्मल वेक्टर किसके इक्वल होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल वेक्टर हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एस ओवर टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस का मोड, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया डी टी ओवर डी एस ओवर, जो हमारे पास ये टर्म जो होती है डी टी ओवर डी एस का मोड किसके इक्वल होता है, ये के इक्वल होता है, ठीक है। हमने एक थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो किसके इक्वल थी, के इज इक्वल टू टी का मोड विद रिस्पेक्ट टू टी ओवर डेरिवेटिव ऑफ आर ऑफ टी किसके इक्वल होना चाहिए, ये वन के इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते थे, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी का मोड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव प्राइम की फॉर्म का था और यहाँ पे एस एस की फॉर्म का है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो मोड है वो भी के इक्वल आएगा, ठीक है। इसको सिंपली हम इस तरह कह सकते हैं कि के किसके इक्वल है, यहाँ पे टी प्राइम के इक्वल है और यहाँ पे हमारे पास के किसके इक्वल आ रहा है, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस आर। इसको हमने कापा के इक्वल लिख दिया। अब यहाँ पे डी टी ओवर डी एस ओवर के एज इट आ जाएगा, इस के को हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। मैंने पहले भी बताया है, जब हम डेरिवेटिव लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस तो हम यहाँ से डॉट से शो करते हैं, और जब हम किसी भी टर्म का वेक्टर क्वांटिटी का डेरिवेटिव लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो उसको हम प्राइम से डिनोट करते हैं। और हमने प्रूव कर दिया, जो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस वो किसके इक्वल आता है, कापा एन के, ठीक है। और हमें पता है एन जो हमारे पास है वो नॉर्मल वेक्टर है। अब नेक्स्ट वन हमने एक प्रूफ फर्स्ट वन प्रूफ कर दिया, प्रूफ देखते हैं कि हमारे पास नॉर्मल वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस वो किसके इक्वल आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये जो के है ये कापा के है, और ये हमारे पास जो टी है ये टाउ है, ये टोर्शन है। इन सिंपल हम ये कह सकते हैं ये कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास टोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इनका प्रूफ देख लेते हैं। हमें पता है बी किसके इक्वल होता है, टी क्रॉस एन के। अगर यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं, ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है, ये हमारे पास बायनॉर्मल वेक्टर है, ये हमारे पास टेंजेंट वेक्टर है। जब मैंने ये बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, जब हम क्लॉकवाइज आते हैं क्लॉकवाइज तो उनकी डायरेक्शन नेगेटिव आती है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे हमने क्या देखा, टी क्रॉस एन यानी कि टी का क्रॉस प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन, तो हम क्या आए, एंटी क्लॉकवाइज आए, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव किसके किसके इक्वल आया, ये बी के इक्वल था, ठीक है। डेरिवेटिव नहीं, टी क्रॉस का टी क्रॉस एन ना जो हमारे पास किसके इक्वल था, बी के इक्वल था। अगर हम अब देखें कि एन किसके इक्वल होगा, अगर हम बी क्रॉस टी कर दें एंटी क्लॉकवाइज चलें तो ये एन के इक्वल आ जाएगा। हमने लिख दिया जो नॉर्मल वेक्टर है वो किसके इक्वल है, वो बी क्रॉस टी के इक्वल है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर जो है वो इस तरह वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है। अब हम इसी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, जब हम एन का डेरिवेटिव नॉर्मल वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस तो इसके ऊपर डॉट आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एज इट, ठीक है। अब अभी हमने पीछे प्रूफ देखा है फर्नेट का, जो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ टी किसके इक्वल होता है, कापा एन के, और बी का डेरिवेटिव हमें भी हमने देखा है वो किसके इक्वल होता है, बी का डेरिवेटिव अभी हमने प्रूव करना है। तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं
यहाँ पे हमने प्रूफ बाद में देखा है इसका, आप लोग इसका प्रूफ पहले कर लीजिएगा। बी का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, माइनस टोर्शन इंटू नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। यहाँ डेरिवेटिव ऑफ बी की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस टोर्शन एंड क्रॉस टी। तो ये टोर्शन जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया और एन क्रॉस टी लिख दिया, और यहाँ पे भी कापा को बाहर निकाल दिया और बी क्रॉस एन लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे बी क्रॉस एन, जब हम बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन ना, तो बी पहले है एन बाद में है, यानी कि ये हमारे पास क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज के साथ नेगेटिव के साथ हमारे पास टी आ जाएगा, प्लस माइनस टोर्शन एज इट एन क्रॉस टी, एन क्रॉस टी, यानी कि ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, क्लॉक वाइज आ रहा है, इसके साथ भी नेगेटिव साइन के साथ बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव बी आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये टोर्शन बी पहले आ जाएगा और ये नेगेटिव टर्म को बाद में लिख देंगे, ये टोर्शन बी माइनस कर्वेचर इंटू टी, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है कि डेरिवेटिव ऑफ बाइनॉर्मल वेक्टर किसके इक्वल है, माइनस टोर्शन एन के, ठीक है। अब अभी हमने देखा था कि बी हमारे पास किसके इक्वल है, टी क्रॉस एन के। जब हम डेरिवेटिव लेंगे बी का विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, टी क्रॉस एन का डेरिवेटिव प्लस एन को एज इट लिखेंगे और टी का डेरिवेटिव। उसके बाद हमने एन का डेरिवेटिव की वैल्यू भी फाइंड कर लिया और टी के डेरिवेटिव की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, इनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो टी के डेरिवेटिव की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, क्या था, टोर्शन इंटू बायनॉर्मल वैक्टर माइनस कर्वेचर इंटू टेंजेंट वेक्टर प्लस टाउ, यानी कि टेंजेंट वेक्टर के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या थी, कापा एन, ठीक है, क्रॉस एन, एन का क्रॉस एन के साथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस टर्म को हम अंदर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो टी क्रॉस टोर्शन बी आएगा माइनस टी क्रॉस के टी आ जाएगा। तो इस टर्म का ये टी क्रॉस टी है ये भी जीरो हो जाएगी, ये एन क्रॉस एन है ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, जब टी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी के साथ, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एन के, माइनस क्यों आया है, टी क्रॉस बी, हमारे पास क्या है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है इनकी, तो इसीलिए माइनस बी आ गया। तो इसको हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, जो हमारे पास बाइनॉर्मल वेक्टर का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एस, वो किसके इक्वल आ गया, माइनस टोर्शन इंटू नॉर्मल वेक्टर, माइनस टोर्शन इंटू नॉर्मल वेक्टर। ओके गाइज, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।